प्यार में आप जीतना चाहते हो, आप चाहते हो कि हर हाल में आपकी विजय हो, प्यार में हर हाल में आप सफल होना चाहते हो, प्यार को हर हाल में अपना बना लेना चाहते हो, कुछ भी हो कैसे भी करके आपको हर हाल में चाहिए ही, तो क्या करना होगा? शरीर के इस अंग में सरसों का तेल लगा, रिजल्ट देखकर दंग रह जाओगे आप। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी अपनी लाइफ में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले शादी के बाद कि सारी समस्याओं का समाधान, चाहे लव लाइफ में हो, पारिवारिक लाइफ में हो, दांपत्य लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, जहां समस्या है उसका सीधा समाधान लव एस्ट्रोलॉजी मिलता है। जुड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव एस्ट्रोलॉजी है। यहां पिछले 200 सालों से लगातार निरंतर लोग धन्यवाद कर रहे हैं, धन्यवाद करने वालों की संख्या 21 लाख हो चुकी है। सक्सेस रेट 95% और ये सब कंटिन्यू है। अब आपकी तरफ एक और महत्वपूर्ण बात, हम डेली 4 बजे आपको पता है ना नई चीज लेके आते हैं, गीता वेद पुराण शास्त्र पुस्तकों का सार आपके सामने पहुंचते हैं, आपके सामने बड़ा रिसर्च दिखाते हैं, बड़ी चीज आपके सामने रखते हैं और बड़े तरीके से आपके सामने रखते हैं। आज हम कह रहे हैं अपने शरीर के इस अंग में सरसों का तेल लगाना है, इतना करने से रिजल्ट देखकर दंग रह जाओगे। क्या होगा? प्यार में जीत होगी, प्यार में सफलता होगी, प्यार में आपका मुकाम आपको मिलेगा, जो तुम चाहते हो वो संभव हो सकेगा, प्यार के ऊपर तुम्हारा अधिकार होगा। और हाँ, जो भी प्यार में नहीं होगा वो सब होगा, 100% होगा। सरसों का तेल शनि को रिप्रेजेंट करता है। जब भी आपके प्यार में दिक्कत आती है तो आपकी कुंडली में शनि, मंगल, राहु, केतु और बृहस्पति बुध खराब होते हैं, इनके संसर्ग खराब होते हैं, ये एक दूसरे से सदाष्टक होंगे, एक दूसरे से या तो संसर्ग कर रहे होंगे, दृष्टि गोचर कर रहे होंगे, सप्तमेश बाधित होगा, नौमांस बाधित होता होगा, या यूं कह लो चार्ट नाइन भी गड़बड़ करता है। परिस्थितियां ग्रह और नक्षत्र ही पैदा करते हैं, सॉल्यूशन उसको शांत करते हैं। सरसों का तेल अपने आप में इतनी क्षमतावान है, सरसों के तेल में वो ऊर्जा समाहित है जिसे शनि, मंगल, राहु, केतु, बुध, बृहस्पति एक साथ ठीक हो सकते हैं, मात्र एक चीज से। क्यों? सरसों काली भी होती है, सरसों पीली भी होती है, सरसों लाल भी होती है और सरसों गोल्डन भी होती है। वो सारे ग्रहों के रंग आ गए। अब तुम कहोगे बुध वाला नहीं आया हरा, तो मूर्खों सरसों भरी भी होती है शुरुआत में। अब जो इसका तेल निकलता है, सरसों का आकार पृथ्वी के आकार का है, बहुत छोटा है, पर है पृथ्वी के आकार का गोल। और जिस प्रकार से पृथ्वी में भौगोलिक दृष्टि से 75% पानी है, बाकी थल है, इतना समझते हो ना, पढ़े लिखे बच्चे हो, वैसे ही सरसों में भी 75% तरल पदार्थ है, 25% थल है। और इसको ताकतवर बनाए, जिस प्रकार से मिट्टी में जो 25 बचती है, जिस प्रकार से मिट्टी में 17 प्रकार के रसायन पाए जाते हैं, वैसे ही सरसों की खली में 17 प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। गाय को खिलाओ दूध देती है, गाय को पोषण तत्व मिलता है, उसी खली को खाद बना करके और पेड़ों में डाल दो तो बहुत ज्यादा, तो मतलब उसमें 17 प्रकार के रसायन है, ऐसा प्रूविन है, मेडिकली भी प्रूविन है, साइंस वाइज भी प्रूविन है, हर तरह से। सरसों का तेल शास्त्रों में बहुत पुराने समय से लिखा है, शनि के लिए बड़े सारे प्रयोग हैं सरसों के तेल के। मैंने ही किताबों में कम से कम 200-250 प्रकार के उपाय तो हमने लिखे होंगे अपनी किताबों में सरसों के लिए। आज उसी तथ्य को आपके सामने उजागर कर रहा हूं, नहाने के पहले सरसों का तेल अपने इस अंग में लगाना है, उसके बाद
प्यार में रिजल्ट देख के सच में तुम आज दंग रह जाओगे। सीधा आपको उपाय को लेकर के चलते, संस्कृत और वेद कहता है सन्नो देवी रविष्ट आपको भूंत पीते ये संजोर विस्तुना, ऐसा कहता है। ये क्या है? ये कह रहा है साहब विश्व की सारी शक्तियों का समावेश है इसमें। ये कह रहा है नीतिगत व्यवस्थाओं का सूत्रपात है इसमें। ये कह रहा है इस पूरा का पूरा संप्रदाय और संसर्गिक व्यवस्थाएं इसके अंदर उत्पोत है। प्यार बहुत ढंग से दिलाने का साधन है इसमें। प्यार के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो उर्वरकता सरसों के तेल से ही आती है, हड्डियों में मजबूती सरसों के तेल से ही आती है। अरे हजार चीजें हैं, आयुर्वेद अगर बोलूंगा तो पूरा दिन बोलूंगा इस बारे में। आप निश्चिंत होकर समझिए ये उपाय तुम्हारे लिए भगवान का वरदान साबित होगा, करके देखिए। चलो उपाय बताते हैं, उसके पहले आपको आपके ही बीच से अनुभव सुनाते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरु जी, आपकी कृपा से मेरी छोटी बहन की अच्छे से शादी हो गई। कृपया मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और मेरे प्यार को मुझसे मिले। धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, हर इच्छा की पूर्ति करे, जो तुम पाना चाहते हो सब तुम्हें मिल जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु आशीर्वाद से सब मिलता नहीं है, तो तुम्हें बताइए। दुनिया का कोई भी सामान्य से सामान्य उपाय गुरु के प्रति श्रद्धा हो तो काम कर जाता है। बड़े से बड़ा उपाय गुरु के प्रति भक्ति नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो, गुरु के प्रति आदर नहीं हो तो काम नहीं करता, क्योंकि उपाय काम करता ही नहीं। उपाय तो सिर्फ माध्यम है, काम करता है गुरु का आदेश, काम करता है गुरु का आशीर्वाद, काम करता है गुरु का तपस्या साधना, उसका बल काम करता है। कितने ही संतों को तुमने देखा हो, जाओ जाओ राम राम जपो बच्चा हो जाएगा, जाओ राम राम जपो पढ़ने लग जाएगा, जाओ राम राम जपो व्यापार हो जाएगा, जाओ राम राम जपो नौकरी मिल जाएगी। अरे राम राम जपो से सब कुछ कैसे मिल रहा है? अलग अलग नौकरी वाले को व्यापार, व्यापार वाले को नौकरी, बच्चे वाले को विद्या और उसको शिक्षा, अदला बदली क्यों नहीं हुई जब दवाई एक थी तो? इसलिए चूंकि मंत्र तो एक था, आदेश अलग अलग था ना संत का। गुरु ही प्रणाम हो मन ही मन कीना। वेदों में बहुत महिमा लिखी, संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। एक एक कदम में एक एक करोड़ यज्ञ का फल मिलता है अगर किसी संत और किसी गुरु के दर्शन के लिए आप आगे बढ़े। पर कैसे? तजिमाया अभिमान, माया और अभिमान को त्याग कर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो। आप क्या है ये ध्यान मत रखिए, क्या हो सकते हैं ये ध्यान रखिए। आपका क्या मूल्य है, क्या ताकत है, क्या बल है, क्या शक्ति है, क्या एनर्जी, ये ध्यान मत रखिए। जो हो सकते हैं वो ध्यान रखिए, बस आप जीत जाएंगे। परम पूज्य आचार्य सतीश सदगुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर ऋग्वेद शिव महापुराण कथा का श्रवण करें दिनांक 8 से 16 जुलाई, समय सायं 4 से 7 बजे तक। स्थान है मेफेयर एवेन्यू C19 C19 टर्नर रोड देहरादून। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202, 6391292929। मुख्य आयोजक गुप्ता एंड मित्तल एवं श्री सदगुरुनाथ धाम परिवार देहरादून। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार सत्संग पर। आज हम कह रहे हैं सरसों के तेल से आपके रिश्तों में आपकी जीत हो सकती है, तो जीत जाइए, सरसों का तेल लगाइए। सरसों का तेल लेकर के कटोरी में रखिए और रिंग फिंगर और अनामिका उंगली उसमें डुबो कर ओम शन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु पीते ये संजो रवि सर्वंतुना, इस मंत्र को सुन लीजिए। क्यों जो मैं बोल रहा हूँ आपको क्या बोलना है? ओम शम शनिश्चराय नमः। क्या बोलना है? ओम शम शनिश्चराय नमः। बस ये दो क्यों? एक शनि की उंगली, एक शुक्र की उंगली। तुम शुक्र वाली चीज चाहते हो, शनि के द्वारा चाहते हो, इसलिए दोनों उंगली दबा दो।
और इसे डुबा के सबसे पहले अपनी नाभि कुंड में अच्छे तरीके से लगाइएगा, फिर अपने वक्षस्थल पर लगाइएगा दोनों तरफ, उसके बाद बीचों बीच में हृदय में लगाइएगा, फिर तीसरी बिंदी आपके मस्तक पर लगनी चाहिए, फिर आपके घुटनों पर लगनी चाहिए, और उसके बाद बचा हुआ दोनों हाथों में लेकर के तलवों पे लगा लीजिए, हाथों के तलवों पे भी और पैरों के तलवों पे, उसके बाद स्नान कर लीजिए। ऐसा काम आप शुरुआत कर सकते हैं शनिवार को या शनि अमावस्या के आसपास। आप ये उपाय उस दिन शुरू करके कंटिन्यू बार बार भी कर सकते हैं। कहते हैं 19 बार लास्ट है, उसके बाद नहीं करना पड़ता। पहली बार में ही लोगों के काम हो जाते वैसे तो, लेकिन 19 बार जिसने कर लिया उसे तो कोई विश्व की ताकत रोक ही नहीं सकती, काम होगा ही होगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, गुरु के चरणों में अनुराग रखकर करोगे तो तुम्हारा काम डेफिनेटली बहुत जल्दी होगा। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, पर प्रीवियस लाइफ नहीं बताना। रोना भी लगना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना कदाचित बंद कर दीजिए, वरना मुश्किल हो जाएगा सब कुछ ठीक करना। बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर ऋग्वेद शिव महापुराण कथा का श्रवण करें दिनांक 8 से 16 जुलाई, समय सायं 4 से 7 बजे तक। स्थान है मेफेयर एवेन्यू C19 C19 टर्नर रोड देहरादून। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। मुख्य आयोजक गुप्ता एंड मित्तल एवं श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार देहरादून। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार सत्संग पर।